हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडियो अपडेट। सो जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर क्लियरली बताया गया था कि जो एडमिशन प्रोसीजर है वो डिले हो चुका है। सो उसी के ऊपर में एक अपडेटेड नोटिफिकेशन आया है, तो चलिए चलते हैं हम लोग वो देखते हैं। जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि MSCET की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और ये एक प्रेस रिलीज आया हुआ है जिसके अंदर में क्लियरली एक डिटेल सारी डेट्स दिया हुआ है इसके अंदर में कि कौन से डेट्स को क्या होने वाला है। ये रिवाइज टाइम टेबल है, यह आज ही रिलीज़ हुआ है, जैसे कि आप डेट यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर में आप देख पा रहे हो 18/1/2021 का है। तो जो सबसे पहले हमारा जो कैप राउंड 1 हुआ था उसके अंदर सीट्स अलॉट हो चुकी थी, बट सीट्स एक्सेप्टेंस डेट थी वो 13 या 16 डेट आखिरी थी, उसको एक्सटेंड करके अभी 20 आखिरी कर दिया है। सो 20 तारीख तक के आप कोई भी सीट्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, जो भी एलोटेड सीट्स है उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके बाद में जो एडमिशन है और एडमिशन लेने का टाइम भी 20 तारीख तक का ही दिया हुआ है कि उस कॉलेज में पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट में विजिट कीजिए और उस कॉलेज में जाके आप अपने एडमिशन कंफर्म कीजिए। उसके बाद में जो कैप राउंड 2 था उसका हमारा 17 तारीख से शुरू होने वाला था कैप राउंड 2, और उसको हम चेंज करके फिर अभी 21 से शुरू होने वाला है। सबसे पहले 21 को वैकेंट सीट मैट्रिक्स आएगा, वैकेंट सीट्स उसमें आपको शो कर दिया जाएगा कि कौन से कॉलेज में कौन से कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। सो उसी के हिसाब से आपको कैप राउंड 2 के ऑप्शन फॉर्म फिल करने हैं। सो ऑप्शन फॉर्म फॉर द कैप राउंड 2 विल स्टार्ट फ्रॉम 21st, 22nd, 23rd, ये 3 डेज दिए हुए कैप राउंड 2 के जो ऑप्शन फॉर्म है उसे फिल करने के लिए। एंड ऑन 27th प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको शो किया जाएगा, जो कि 24th, 5th एंड 26th, ये तीनों डेज जो भी प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग होगी, इंटरनल प्रोसेसिंग होगी, और 27th को आपको वहाँ पे डिटेल शो कर दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज लगा है। सो एक बार 27th को आपको सीट कौन सी अलॉट हुई है, कौन से कॉलेज में अलॉट हुई है वो आपको पता चल जाए। उसके बाद में आपको 31st तक के टाइम दिया रहेगा, 28, 29, 30, 31st, ये 4 दिन का टाइम दिया रहेगा आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में विजिट करके उस कॉलेज का एडमिशन कंफर्म करने के लिए। और मेनली जो कॉलेज कमेंसमेंट डेट था, जो कि पहले हमारा डेट दिया हुआ था कि 4th जनवरी से कॉलेज कमेंस हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर महाराष्ट्र में, सो वो कमेंसमेंट डेट अब हो चुका है 21st of January 2021। सो दोस्तों 21st को एनी हाउ हर कॉलेज चालू हो जाएंगे, इंस्टीट्यूट की जो भी इनिशियल एक्टिविटीज़ होती है, इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं, वो सारा ही प्रोसेस चालू हो जाएगा। सो अब फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, हमारा कॉलेज शुरू हो जाएगा जल्दी ही और हम लोग हमारा कमेंसमेंट ईयर शुरू करेंगे। अब ये लोग किस तरीके से कंप्लीट एकेडमिक ईयर को प्रोसेस करते हैं इसका अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट जुड़े रहिएगा चैनल से ताकि जल्द से जल्द मैं आपको नोटिफाई कर पाऊँ कि जैसे ही मुझे पता चलता है उस हिसाब से फिर मैं आपको भी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दूंगा कि किस तरीके से इनका कंप्लीट 2 ईयर्स का प्लान है। और जो अपकमिंग 2021 का जो MSCET के एग्जामिनेशन है उसका भी इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आ गया है कि किस तरीके से पैटर्न रहेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरीके से रहेगी, तो उसके ऊपर भी मैं जल्दी एक वीडियो बना दूंगा। सो फिलहाल तो बस इतना ही आज के लिए, तो जुड़े रहेगा चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।